इतना गर्म किया कि धूप आती है तो भाप बनकर के आकाश के लिए चली जाती है। सात दिन और सात रात घोर वर्षा हुई लेकिन ब्रज पर दूध नहीं आया। बोलिए गोवर्धन महाराज की। अक्रोश को पत्र लिख के भेजा था कि जाकर के उसके बाबा के यहाँ दर्शन और बलराम को हमारा पत्र देना है और कहना है कि मामा भोज राजंस ने यज्ञ किया है और यज्ञ में बहुत जरूरी है पत्र लेकर के पहुंचे हैं। अक्रूर जी के सारे गंगा बाबा जी गोरे बाबा नंद माई यशोदा प्रेम से कह रहे थे कहीं नहीं अक्रूर जी जब पहुंचे तो पत्र को निकाल करके नंद बाबा को दिया। नंद बाबा ने कहा अक्रूर जी आपका कैसे आना हुआ जब आज आए हैं मथुरा के भोज राजा उसने भी जाया समझ के बाबा नंद की किसी अच्छे के लिए नहीं भेजा होगा। पूछने लगे क्यों भेजा है। अक्रूर ने पत्र निकाला बाबा नंद के हाथ में दिया। नंद ने जैसे ही पढ़ा कि भोज राजा उसकी मथुरा में एक यज्ञ है तो हाथों से पत्थर छूट करके जमीन पर गिर गया। ये दर्श जब ये सोना ने देखा तो दौड़ करके आई खुशी लगी अक्रूर जी ऐसा क्या लगा था पत्र में जो हमारे बाबा नंद पढ़ नहीं पाए और हाथों से छूट गया। पत्र को उठाया ये सोना वाले पत्र में देखा कि लिखा है मेरी मथुरा में एक यज्ञ है उसमें नीले कमल पर पुष्प लेकर के कृष्ण और बलराम को आना बहुत जरूरी है। आ जब आज यशोदा ने गोरे बाबा नंद रो रहे हैं अक्रूर जी आप नहीं जानते हो वो नंद कैसा है। जब मैं गोकुल में था तो उसी कंस ने मेरे कन्हैया को मारने के लिए बड़े बड़े देवताओं को भेजा तो मैं गोकुल को समुद्र के वृंदावन चलाया था। ये सोचा हाथ जोड़ करके खड़ी है मुझे बाबा बंद रो रहे हैं और रोते हुए एक बात कही है गुरुजी से गुरुजी मेरी एक बात कि जो जोड़े बाबा नंद रो रहे हैं अक्रूर जी कह रहे हैं भोज राजा नंद ने बुलाया है तो रोने लगे Thank you.
बड़ा दिया है, वो मेरे बेटा को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरे बेटा हमारी पुकारो, अपनी अनेक पुकारो। मेरे बेटा हमारी के मारे लाखने के तारे, वो मेरे लाला हमारी के मारे अपनी अनेक तारे। मेरे बेटा मैं ऐसे तो कह रहे हैं।